हरे कृष्णा। आइए अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपकी माली हालत कैसी होगी, देश दुनिया का क्या हाल होगा, क्या नया करने वाले हैं, राजनीतिक स्थिति क्या होगी, सामाजिक स्थिति क्या होगी, बच्चों के साथ आज कैसा रहने वाला है संबंध आपका, परिवार में कुछ महत्वपूर्ण क्या करने वाले हैं, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। संतान की प्रगति कैसी रहेगी और आप किस फील्ड में काम करेंगे, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा या प्रॉपर्टी से या माइंस से लाभ मिलेगा, सारी बात आज हम आपको बताएंगे। और यदि आपके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, तो आप इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें। और यदि आपके कोई ज्योतिष ये पसंद आता है मेरा वीडियो, तो आप शेयर करें और लाइक करें। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होने वाला है और आपको उपाय क्या करना है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं, उनके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज आपको शिक्षा के क्षेत्र से, एकेडमिक फील्ड से आज आपको काफी लाभ मिलेगा। नए तरह के कार्य, नए तरह का व्यापार सब कर सकते हैं, उसके लिए आज का दिन काफी अच्छा है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए फल्ट कर रहे हैं, तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। यदि आप किताब लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं या फिल्म के लिए कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो आपको कहानी भी लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं और फिल्म के लिए अगर आप ये फल्ट करते हैं, तो उसमें भी आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, विदेश से कुछ आयात निर्यात कर सकते हैं। पांडित्य कर्म में आज आपकी रुचि होगी और कर्म कांड की तरफ ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और धन धान के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। रोग और शत्रु से सावधानी बरतें, उनको हल्के में न लें, खान पान पर नियंत्रण रखें। परिवार में जो भी आप दायित्व है, कार्य है, उसको करने में सफल रहेंगे। भाइयों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो भाई के लिए गाड़ी, घर इत्यादि की भी व्यवस्था कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा। अपने परिवार के लिए आप कुल दीपक होंगे, माता पिता का सहयोग मिलेगा, नए तरह के कार्यों से मन प्रसन्न रहेगा। यदि आज आप सरकारी नौकरी के लिए फल्ट कर रहे हैं, तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। खेल के क्षेत्र में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें भी आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। यदि आप एजुकेशन फील्ड में एकेडमिक होकर के कार्य करना चाहते हैं, तो आज आपका प्रमोशन हो सकता है और आज आपको नए प्रकार की जिम्मेदारी भी मिलने का योग बन रहा है। संततियों की टेरिटरी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चे बहुत ही सिंसियर हैं, संवेदनशील हैं, अपना काम बहुत ही ओरिएंटेड होके कर रहे हैं, अपने कार्य के प्रति लगे हुए हैं। तो आपको केवल उन पर पहली दृष्टि रखनी है, उनको समझाना है, इनकरेज करना है, उनसे किसी प्रकार का पंगा नहीं लेना, उनकी टेरिटरी में दखलअंदाजी नहीं करना है और अपने को थोड़ा सा अपने स्वभाव में नरमी बरतने की जरूरत है और टास्क को ओरिएंटेड होकर कार्य करें। जो नेगेटिव उसको हटाने की जरूरत है, मन में जो अज्ञात भय आता है उसको भी हटा देना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आपको उपाय क्या करना है, सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आज आपको साझेदारी में कोई व्यापार नहीं करना है। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि पीला वस्तु दान करें, मंदिर में जाएं और पीला खिचड़ी बना करके, दाल वाली खिचड़ी बना करके गरीबों को भोजन करावें, आपके लिए अच्छा रहेगा, या पीला वस्त्र दान करें, आपके लिए ठीक रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है पीला। हरे कृष्ण।